बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और बताइए दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? हाँ, बोलो चलो। और ये जो छोटा सा क्यूट सा बच्चा है, इसका नाम डुडू है। मैं बच्चा नहीं, मैं बड़ा हूँ। अब वो बड़ा हो चुका है ना? हाँ, चलो। लड़की नहीं हूँ। हाँ, ये लड़का है, लड़की नहीं है बस। तो चलो मैं आगे वीडियो बना लूँ। चलो ठीक है फिर। तो दोस्तों, आप लोग मुझे यहाँ देख के आप सोचे होंगे कि मैं शायद नवरात्रि के कीर्तन में आई हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ आई हूँ, एक शादी की फंक्शन है, तो आज यहाँ कीर्तन था, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, और फिर इसलिए मैं यहाँ आई और आज यहाँ पर है कीर्तन। तो जैसा आप माहौल देख रहे हैं यहाँ का, और पूरा कीर्तन हो रहा है यहाँ पे, और सबसे अच्छी बात की यहाँ वो चला, ये देखो, ये दुल्हन की मम्मी है, और इनके वहीं इन्होंने हमें इनवाइट किया था, तो इसलिए आज मैं यहाँ की वीडियो बना रही हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा, इसके मैं 2-3 पार्ट बनाऊंगी, और जो यहाँ की रीति रिवाज होते हैं गढ़वाल के, किस तरीके से शादी की जाती है, वो सब चीज़ मैं आपको उस चीज़ से रूबरू कराऊंगी, और आपको दिखाऊंगी यहाँ की संस्कृति और यहाँ के तौर तरीके सब। तो आप मेरे साथ वीडियो बने रहिएगा और इसके सारे पार्ट इंजॉय कीजिएगा। यहाँ शादी वाला घर है, तो यहाँ बन्ना बन्नी के सॉन्ग गाए जा रहे हैं, साथ ही साथ नवरात्रि भी चल रही है, तो माता के भजनों का भी आनंद लिया जा रहा है। ये दुल्हन की दीदी है। चलो दोस्तों, इनका डांस एंजॉय करते हैं। जैसा कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर लोगों पर भगवान का प्रकट होना, देवी का प्रकट होना एक आम बात है। और चलिए दोस्तों, हम भी नवरात्रि में माता रानी के दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। Thank you.
तो दोस्तों ये रही दुल्हन जो माता रानी का आशीर्वाद ले रही है, और उसकी मम्मी बहन उसके परिवार वाले सब माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो अब गांव के लोग भी एक एक करके माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं। नवरात्रि का सीजन चल रहा है, नवरात्रि चल रहे हैं, तो नवरात्रि में बहुत ही शुभ टाइम है और माता के भजन चल रहे थे, और आपने देखा किस तरीके से माता रानी ने अपने दर्शन भी दिए हैं। और ये शादी का फंक्शन है, तो मैं हो सकेगा तो मैं आपको ब्राइडल से भी मिलाऊंगी, तो चलो देखते हैं क्या होता है। भजन कीर्तन हो रहे हैं तो इस वजह से मेरी आवाज़ आप तक क्लियर नहीं आ पाती, इसलिए मैं थोड़ा दूर आई हूँ। देखो मेरे साथ डॉगी भी एक छोटा सा है। तो आज मैं जहाँ आई हूँ यहाँ पे कीर्तन हो रहे हैं और फिर बाने हैं, फिर मैं कल आपको दिखाऊंगी यहाँ के रीति रिवाज, और फिर उसके बाद आगे का ब्लॉग मैं स्टार्ट करूंगी। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर। तो ये देखो ये है मेरी प्रिय भाभी जिन्हें कितनी शर्म आ रही है, हमें सब व्यस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, आज जाके फ्री हुई हूँ। अच्छा ये खा रहे हैं, हाँ ये खा रहे, क्या दिया दिखाओ तुम, ये हाँ तब क्या बनाऊंगे, चलो
चलो बैठ रहे अभी नहीं चलो। तो नीचे से भी बारात आ रही है और पर हम बारात नहीं देख पाए क्योंकि काफी लेट हो गए, घर जाके खाने बनाना है, तो चलो घर चलते हैं।